अस्सलाम वालेकुम, ब्राइट फ्यूचर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे आप सबको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है असद इकबाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप एक ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री के अंदर एक सेटअप कैसे खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्राइट फ्यूचर सक्सेस जॉब इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास विद इन आवर के अंदर बहुत से इंटरनेशनल एंड लोकल कॉल सेंटर्स की डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसको आप इजीली अवेल कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना गेन मत भूलिएगा। अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, हम सेटअप के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो जो पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा, आपको कॉस्टल इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि उससे आपको पता चलता है कि क्या 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 काम होता है, काम कैसे किया जाता है। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत आपको आइडेंटिफाई हो जाती है चीज़ों के बारे में। उसके बाद आपको जो चीज़ रिक्वायर है आपने, क्योंकि कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज है। एक इनबाउंड कॉल सेंटर होता है, एक आउटबाउंड कॉल सेंटर होता है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने सेल कैंपेन के ऊपर आना है या आपने कस्टमर सपोर्ट की कंपेन के ऊपर आना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पता होता है कि भाई यार मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं कस्टमर सपोर्ट की डील को कंपेन को इजीली डील आउट कर सकता हूँ, या आपको दूसरी जो चीज़ है सेल्स से रिलेटेड कंपेन है, ये आपको पता चल जाता है कि हाँ यार मैं सेल्स से रिलेटेड कंपेन के ऊपर एक्सपर्टीज रखता हूँ और मैं इजीली सेल्स की कंपेन्स को मैनेज भी कर सकता हूँ और मुझे पता है कि इसको कैसे, इसकी टीम को एक्चुअली मैं कैसे मैनेज करना है। उसके बाद जो चीज़ आपको रिक्वायर है, जो आपको वहाँ पर रिक्वायर है, एक ऑफिस होना चाहिए। एक ऑफिस के अंदर आपके पास लैपटॉप्स होने चाहिए, आपके पास एक टीम होनी चाहिए। कम से कम आपके पास 3 से 4-5 लोगों से ही आपको स्टार्टअप करना चाहिए ताकि आपको क्लेरिफाई हो सके, आप उससे मोटिवेट हो सके जब उससे बिजनेस जनरेट होगा। क्योंकि एक आधे बंदे के साथ बिजनेस नहीं किया जाता, इसलिए मिनिमम पांच लोग आपके पास होने चाहिए। आपके पास लैपटॉप होने चाहिए, मैक, आपके पास हेडफोन होने चाहिए। उसके बाद एक आपके पास एक अच्छा पैकेज होने चाहिए इंटरनेट का, कम से कम आपका पास 50 MB के करीब पैकेज होना चाहिए ताकि आपके लिए एक जो इंटरनेट की स्पीड है उससे आपको इश्यूज नहीं आने चाहिए। उसके बाद जो आपके पास एक आपके पास वॉइस ओवर होने चाहिए, वॉइस ओवर को कहते हैं जिसको डायलर कहते हैं, जिसके जरिए से आप कॉल्स कर सकते होते हैं। ठीक है, वो लाजमी है, वो आपको पे करना पड़ता है, वो डॉलर्स की फॉर्म में पे करना पड़ता है, वो डिफरेंट लोग भी डायलर्स की फॉर्म में आपके साथ काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपको क्या चीज़ रिक्वायर है, उसके अलावा आपको डेटा रिक्वायर होता है। डेटा आपको डिफरेंट साइट्स मौजूद हैं इस वक्त US की, जिसके ऊपर मौजूद होता है डेटा। अगर आप US के अंदर काम करना चाह रहे हैं, UK के अंदर काम करना चाह रहे हैं, आपके कैनेडा के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आप किसी भी कंट्री के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेटा इजीली आपको मिल जाता है डिफरेंट साइट से। उसके लिए पे करना पड़ता है, वो कुछ सालाना बेसिस के ऊपर होता है, कोई वन टाइम होता है, वो उस लिहाज से वो जिस टाइप का आपको डेटा चाहिए होता है उस लिहाज से वो पेमेंट आपको करनी पड़ती है। उसके अलावा जो चीज़ आपको रिक्वायर है, जो मेन चीज़ है, आपने काम किस चीज़ के ऊपर करना है। ठीक है, कौन सी कंपेन के ऊपर काम करना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपेन्स हैं, मोबिलिटी की कंपेन है, स्पेक्ट्रम डिश टीवी की कंपेन है, उसके बाद AT&T डेक टीवी की कंपेन है, उसके अलावा हमारे पास कुछ बिलिंग से रिलेटेड कंपेन्स हैं। मतलब कि आपके एक्चुअली इंटरेस्ट किस चीज़, आपको लगता है कि आप इस कंपेन में काम कर सकते हैं, आप इजिली उसके लिए मैनेज कर सकते हैं हर एक चीज़ को, तो वो लाजमी चीज़ है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वेंडर चाहिए या मर्चेंट, व्हाटएवर आप US में काम करें तो उसको मर्चेंट कहते हैं, और अगर आपने कनाडा के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर काम करें तो उसके लिए वेंडर सपोर्ट कहते हैं। वो आपको होना लाजमी है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। वो क्यों रिक्वायर है, वो आपको पेमेंट से रिलेटेड रिक्वायर है, आपको डिलीवरी से रिलेटेड रिक्वायर है, वो उसके बगैर तो सिंपल वर्डिंग में आपको काम कर ही नहीं सकते। और उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप पाकिस्तान में अगर लोकली आपको लोग मिल जाते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, उसका फ़ायदा भी काफ़ी सारा होता है। अगर आप किसी और कंट्री के या किसी और लोग उठाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि वो अगर आपके पैसे लेके भाग जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते होते। ये चीज़ें रिक्वायर है। उसके अलावा जो सबसे एक और भी इम्पॉर्टेंट जो हम रिकमेंड करेंगे, यार आपको पहले कॉस्टल इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम होने करना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस कंपेन में आप काम करते हैं, उसके बाद ही आपको स्टार्टअप करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।